जय हनुमान। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन्हीं कोहिनूर से भजनों को सुनकर इसके गायक के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। रिसर्च शुरू हुई तो पता चला इन भजनों को आवाज देने वाले सिंगर हैं हरिओम शरण। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। थोड़ी और पड़ताल जारी रही तो सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार की इन पर 3 साल पहले लिखी एक पोस्ट मिली, जिससे पता चला कि वो भी हरिओम शरण के भजनों के मुरीद हैं। लेकिन उनकी लिखी एक लाइन से दिमाग घूम गया। वो लाइन थी कि मैं उनके यानी कि हरिओम शरण के बारे में जानकारियां सर्च कर रहा था, सिर्फ 2 लाइन की जानकारी मिली कि लाहौर में पैदा हुए और न्यूयॉर्क में मर गए। 20 एल्बम बनाए, जबकि भजन की संवेदना अगर किसी गायक में है तो वो हरिओम शरण ही हैं। पवन सुत बिनती बारंबार। रिसर्च और कड़ी मशक्कत के बाद हरिओम शरण के बारे में जो पता चला वो हैरान करने वाला था। सही मायने में देश के पहले भजन सम्राट और भक्ति गीतों के अद्भुत गायक। इसके बावजूद रवीश कुमार की निराशा जायज थी। वाकई जितनी लोकप्रियता और प्रसिद्धि इस साधक जैसे गायक की आवाज ने पाई, उतने ही कम चर्चित और गुमनाम रहे हरिओम शरण जी। प्रभु हम पे कृपा करना। आज भी अगर आप गूगल या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर घंटों की मशक्कत करेंगे तो वही 3-4 लाइन की सीमित जानकारी उपलब्ध है जो रवीश कुमार को मिली थी। ना तो किसी ब्लॉग, वेबसाइट या फिर यूट्यूब पर हरिओम शरण की डिटेल का कोई विवरण मिलता है और ना ही इनके जीवन से जुड़ी ज़्यादा जानकारी हासिल होती है। लेकिन हरिओम शरण जी के चाहने वालों के लिए ये किसी खुशखबरी या सौगात से कम नहीं कि हमने इस भजन सम्राट के जीवन से जुड़े एक एक तथ्य को खोज निकाला है। ऐसा प्यार बहादे मैया। लाइब्रेरी से 80 के दशक के कुछ अखबारों और अलग अलग सोर्सेज से हमने इनके बारे में तमाम ऐसी जानकारियां जुटाई जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस गायक के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए देश ही नहीं विदेशों में बसे कई बुजुर्ग और पुराने लोगों से बात की गई, जिन्होंने उनके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई। आज भी ये लोग हरिओम जी को दादाजी नाम से संबोधित करते हैं। तो हरिओम शरण की पहले डिटेल्ड बायोग्राफी देखने के लिए बने रहिए इस पेशकश में अंत तक। साईं तेरी याद महा सुखदाई। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे प्रीति कमल और बात हो रही है भजन सम्राट हरिओम शरण की। तुझको भूला जग दुखियारा। 80 के दशक में आत्मा को तृप्त करने वाली इसी आवाज से लोगों की सुबह होती थी। भोर का वक्त होता था और हर शहर हर गांव के मंदिरों से सादगी और सुकून से भरे भजन बज उठते थे। गंगा की पवित्र धारा सी ये आवाज जब कानों में घुलती तो मन असीम आस्था से भर जाता था। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। घर घर में आस्था की अलग जगाने वाली ये सुमधुर आवाज होती थी भजन सम्राट संत श्री हरिओम शरण की। आज भी तनाव में हरिओम शरण जी के भजन सुनना किसी दवा से ज्यादा कारगर होता है। यकीनन इनके भजन हृदय की गहराइयों तक पहुंचकर आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराते हैं। संकट मोचन नाम तिहारो। इनके भजन सुनकर आज भी तमाम लोगों के जहन में बचपन की यादें तैर जाती हैं। किसी को अपने दादा याद आते हैं तो किसी को दादी और नानी, क्योंकि जब हरिओम शरण के भजन चलते थे तो पूरा परिवार एक साथ इसमें डूबकर सुनता था। जय भोला भंडारी शिव हर। जानकर हैरानी हुई कि इतने बड़े गायक को ना तो कोई बड़ा पुरस्कार नसीब हुआ और ना ही वाजिब पहचान। वो पहले ऐसे गायक थे जिन्होंने भक्ति गीतों को इतनी प्रमुखता से देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाया। जय जय हनुमान गुसाई,
इसके अलावा वो इस मायने में भी इकलौते रहे कि उनके गीतों को इतनी शोहरत मिलने के बावजूद उन्होंने कभी फिल्मों में गाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह क्या थी, जानेंगे आगे विस्तार से। संगद के संग लेन गए सिया, खोज का पीसिया। साथ ही बताऊंगी कि आखिर क्यों हरिओम शरण संन्यास लेकर हिमालय चले गए और इन्हें वहां ऐसे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने गीतों और भजनों के जरिए भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए तैयार किया। इसके अलावा जानेंगे कि बहुत गंभीर और कम लोगों से मिलने जुलने वाले हरिओम शरण कैसे बने भक्ति गीतों के सम्राट। साथ ही बात होगी कि संत स्वभाव और भक्ति भाव में डूबे रहने वाले इस गायक को सात समंदर पार किस महिला से प्रेम हुआ और कैसे उसने इनकी गायकी का करियर खत्म करा दिया। और अंत में बात होगी कि अनगिनत मशहूर भजन चालीसा और भक्ति गीत गाने वाले हरिओम शरण हमेशा क्यों लाइमलाइट से दूर गुमनाम रहे। जग में आकर जग को मैया, अब तक गायकी में सादगी को समझना हो तो इनके भजन सुनिए। खुद को आस्था और आध्यात्म में सराबोर कर मन को शांति और सुकून के शिखर में पहुंचाना हो तो इनके भजन सुनिए। कृपा को मैंने पाया। ऐसे लगता है कि हरिओम शरण जी की गायकी में भक्ति का जादू है। हृदय तल से निकले मधुरता, दिव्यता और भक्ति रस से सराबोर उनके भजन हर सुनने वाले के मन में ईश्वर प्रेम का संचार कर देते हैं। जय 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 हनुमान गुसाई। इनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने एक ऐसे वक्त में गाना छोड़ दिया जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के भक्ति गीत गूंजा करते थे। क्या रही इसकी वजह, इस पर आने से पहले अब सिलसिलेवार तरीके से उनकी जिंदगी के सफर पर वापस आते हैं। नाथ मेरे सिर पर। हरिओम शरण का जन्म 26 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लाहौर में ही हुई थी। एक सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक वो बचपन में चित्रकार बनना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। मिली जानकारी के मुताबिक जब हरिओम शरण बच्चे थे तब साधु और फकीर अक्सर उनकी बस्ती में सुबह सुबह निर्गुण भजन और सूफी गीतों को गाते हुए घूमते थे। इनकी गायकी हरिओम को बहुत अच्छी लगती थी और इसी के आधार पर उनको भी गाने का शौक हुआ। उन्होंने वास्तव में शास्त्रीय या किसी तरह के संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। हरिओम करीब 15 साल के थे तभी आज़ादी के बाद 1947 में हुए बंटवारे के बाद इनका परिवार लाहौर से भारत आने के लिए निकला। हरिओम की पत्नी ने एक बार बताया था कि इसी दौरान वो अपने परिवार से बिछुड़ गए। कई महीने तक इधर उधर भटकने के बाद एक साधु की संगति में वो हिमालय की ओर निकल गए जहाँ ढेर सारे गुरुओं और स्वामियों के साथ उनकी यात्रा और मुलाकात चलती रही। संतों की संगति में रहते हुए उन्होंने सन्यासी जीवन बिताना शुरू कर दिया। हिमालय पर ही उनकी मुलाकात अपने गुरु स्वामी हरिगिरी जी महाराज से हुई। संगीत साधना और गायकी की बारीकियां उन्होंने स्वामी अमरनाथ और स्वामी दर्शनानंद से ली। हिमालय प्रवास के दौरान पंडित हरिओम शरण ने कबीर, तुलसी और मीराबाई की रचनाओं को अपनी तरह से प्रस्तुत करना शुरू किया। उनकी गायकी संतों को बहुत पसंद आती थी। इन्हीं गुरुओं की प्रेरणा से इनके भक्ति गीतों की धारा हिमालय से निकलकर देश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने लगी। संतों के जरिए ही उनकी पहुंच बड़े शहरों में होने वाले भक्ति कार्यक्रमों तक हुई जहां वो प्रस्तुति देने लगे। बिना बनावट और सुरों की बादीगरी दिखाने से इतर उनकी सादगी और सुकून भरी गायकी हर किसी को पसंद आने लगी। मन लागो मेरो यार, 70 के दशक की शुरुआत में इस संगीत साधक के बारे में किसी ने HMV कंपनी को बताया जो उस समय कैसेट्स निकालने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। किसी तरह HMV ने उन्हें खोज निकाला और 1972 में पुष्पांजलि नाम से उनकी पहली कैसेट रिलीज हुई। इसमें 7 भजन थे और सब एक से बढ़कर एक। इस एल्बम का संगीत मुरली मनोहर स्वरूप ने तैयार किया।
70 के दशक तक साउंड सिस्टम के नाम पर पुराने टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे। इसके बावजूद पुष्पांजलि एल्बम के गीत देश भर में गूंजने लगे। शिद्दत से धर्म और आध्यात्म का सुकून भरा संदेश देती हरिओम की आवाज हर किसी को बेहद पसंद आई। इस एल्बम के भजन मैली चादर ओढ़ के कैसे, आरती कुंज बिहारी की, पवन सुत विनती बारंबार, देश विदेश में घर घर बजने लगे। यूं तो हनुमान चालीसा को तमाम बड़े बड़े गायकों ने गाया है, लेकिन कहा जाता है कि हरिओम शरण जी से बेहतर हनुमान चालीसा की संगीतमय प्रस्तुति आज तक किसी ने नहीं दी है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हरिओम शरण जी का हनुमान चालीसा पाठ जो हम टी सीरीज के जरिए सुनते हैं वो बाद में रिकॉर्ड हुआ है। सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा 1974 में द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए गाया था, जिसे बाद में HMV और अब सारेगामा के रूप में ब्रांड किया गया है। इस LP में केवल 3 गाने थे, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान आरती। हनुमान चालीसा ट्रैक के लिए 2 दोहे और सभी 40 चौपाइयां हरिओम शरण ने गाई हैं, जबकि समापन दोहा प्रदीप चटर्जी, सुरिंदर कोहली और अंबर कुमार द्वारा गाया गया है। 1974 के बाद से हरिओम शरण की ये प्रस्तुति विनाइल डिस्क, ऑडियो कैसेट, CD, MP3 और स्ट्रीमिंग वेबसाइटों से लाखों घरों तक, हजारों मंदिरों में चलाई गई हैं। इसकी कई गायकों ने और कंपनियों ने नकल की, लेकिन ओरिजिनल का आज भी कोई मुकाबला नहीं कर सका। इसी के बाद हरिओम शरण के भजनों की लोकप्रियता देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गई। वो जहां भी गए उन्हें खूब मान सम्मान मिला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसके बाद 1977 में एक और एल्बम प्रेमांजलि नाम से आया, जिसका साईं तेरी याद, महासुखदाई और प्रभु हम पे कृपा करना समेत हर भजन और आरती बहुत मशहूर हुए। इस एल्बम में भी संगीत मुरली मनोहर स्वरूप का ही था और बैनर HMV। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। इसी कैसेट के गानों, भजनों की बेशुमार प्रसिद्धि के बाद दुनिया के अलग अलग देशों से हरिओम शरण को कार्यक्रम देने के लिए बुलावे आने लगे। जिन देशों में भारतीय मूल के ज्यादा लोग रहते थे वहां से सबसे ज्यादा बुलावा आता था। 1970 और 1980 के दशक में कैरेबियन देशों में जब भी अपनी प्रस्तुति देने जाते, स्टेडियम भारतीय मूल के लोगों से भर जाते थे। ये लोग हरिओम शरण की जय जयकार करते थे और सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा गाकर सुनाने की डिमांड होती थी। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। 70 के दशक के आखिरी साल रहे होंगे, एक बार हरिओम शरण अपनी प्रस्तुति देने के लिए साउथ अमेरिका के गुयाना शहर गए हुए थे। यहाँ उनकी मुलाकात भारतीय मूल की नंदिनी से हुई। नंदिनी भी गायिका थी। जान पहचान बढ़ती गई तो अपने कार्यक्रमों में हरिओम जी नंदिनी को भी गाने के मौके देने लगे। आगे तो ऐसा हुआ कि जब भी वो अमेरिका के किसी शहर में प्रस्तुति देने जाते तो नंदिनी भी उनके साथ भक्ति गीत गाती थी। आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली। एक वक्त ऐसा आया कि हरिओम शरण के इंटरनेशनल शोज और बहुत सारे निर्णय नंदिनी ही लेने लगी। कहा जाता है कि नंदिनी एक घमंडी और स्वार्थी महिला थी। हरिओम जी से इतर वो अपनी प्रसिद्धि भी चाहती थी। उनके बढ़ते दखल के कारण ही 70 के दशक के आखिरी सालों में न केवल संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप से हरिओम का गठजोड़ टूटा, बल्कि HMV कंपनी से भी उनके रिश्तों में खटास आ गई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने एक से बढ़कर एक भजन और भक्ति गीत गाए थे। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। साल 1989 में जय जय श्री हनुमान और देवी गीत के नाम से हरिओम शरण के 2 कैसेट्स मार्केट में आए। शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई थीं। नंदिनी हरिओम जी से कहकर न सिर्फ अपने गीत खुद लिखवाती थीं, बल्कि खुद संगीत भी तैयार करने के लिए उन्हें राजी कर लिया। इतना ही नहीं, अपनी मनमानी के चलते ही नंदिनी हरिओम के साथ देश विदेश में होने वाले सारे शोज में खुद उनके साथ गाने भी लगी। अपने पति के करियर को वो अपनी मर्जी से नियंत्रित करना चाहती थीं।
काफ़ी हद तक यही जिद और गलती रही जिसके चलते 80 के दशक के मध्य तक हरिओम शरण का करियर डूबने लगा। मंदिर है भगवान का। 1980 में सुमिरन नाम से हरिओम शरण का पहला एल्बम आया जिसमें उन्होंने गाने के साथ ही गीत भी खुद लिखा था और संगीत निर्देशक भी किया था। इसी तरह 1981 में अगला एल्बम आराधन आया जो लोगों ने काफी पसंद किया। आराधन निषिद्ध करूं। 80 के दशक के मध्य तक हरिओम शरण के कई एल्बम आए जिनमें प्रभुपाद कृपा, दाता एक राम, भक्ति वंदन, आरती अर्चन, भजन उपहार, चलो मन वृंदावन की ओर, भजन दीपांजलि, साई कृपा शामिल हैं। इनमें दीपांजलि, कबीरवाणी और प्रभुपाद कृपा के अलावा ज्यादातर एल्बम कुछ खास पसंद नहीं किए गए। अब वो HMV के अलावा वीनस, सुपर कैसेट्स, बाबा, वेस्टर्न के लेबल पर अपनी ज्यादातर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सुपर कैसेट्स का नाम बदलकर जब टी सीरीज हुआ तो हरिओम शरण से एक बार फिर हनुमान चालीसा रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन इसमें HMV वाली बात नहीं थी। हो सकता है ये उम्र के अंतर के कारण भी रहा हो। हरिओम शरण की पत्नी नंदिनी शरण के कई गलत फैसलों और दखल के चलते साल 1985 के बाद हरिओम शरण अचानक मार्केट से गायब हो गए। इसी बीच अनूप जलोटा समेत कई नए गायकों का उदय हुआ और हरिओम शरण गुमनाम होते चले गए। अब उनका ज्यादातर समय अमेरिका में ही बीतने लगा। वो भारत से कटते चले गए और नए भक्ति गीत गायक उनकी जगह लेते चले गए। स्वीकारो मेरे प्रणाम। 14 मई 1989 को द इकोनॉमिक्स टाइम्स के पत्रकार मोहन नाडकर्णी ने हरिओम शरण की वापसी नाम से एक लेख लिखा था जिसके मुताबिक हरिओम शरण 7 मई 1989 को मुंबई के रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम में लंबे अंतराल के बाद भारत में प्रस्तुति देने आए थे। उनका नाम सुनकर वहां भारी भीड़ पहुंच गई। ऑडिटोरियम में बैठने के लिए जगह नहीं बची। तब बाहर गार्डन में लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया ताकि लोग लाउड स्पीकर्स के जरिए कम से कम उनकी आवाज सुन सकें। उनका कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस थी। इस समारोह में उन्होंने लगभग 15 गीत गाए थे। राम सुमिर के रहम करेना। भले ही इस समारोह के जरिए हरिओम जी ने वापसी करने की कोशिश की लेकिन इसकी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। लंबे अंतराल के बाद 1994 में गुणगान शिव महिमा, 1996 में राम भक्त हनुमान और संपूर्ण सुंदरकांड नाम से उनके कैसेट्स आए लेकिन कुछ खास नहीं चले। अंतर तेरे, अंतर यामी। अब आपको सुनाती हूँ वो वाकया जब हरिओम शरण का एक गीत 90 के दशक में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थकों के लिए एक उम्मीद बन गया था। दरअसल 1992 में हरिओम जी का एक भक्ति गीत आया था जिसके बोल थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। ये गीत एल्बम पुष्पांजलि प्रेमांजलि का हिस्सा था जिसका संगीत हरिओम शरण के लिए लंबे वक्त के बाद मुरली मनोहर स्वरूप ने दिया था। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हरिओम शरण का ये गीत उस वक्त लोगों की जुबां पर चढ़ गया था। ये वो समय था जब अयोध्या में रामलला टेंट में भी विराजित नहीं थे और बाबरी मस्जिद को लेकर देश भर में माहौल गर्म था। उस समय हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए हरिओम शरण का ये गीत किसी उम्मीद से कम नहीं था। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हरिओम ने अपने ज्यादातर गीतों में संगीत भी खुद दिया। उनके म्यूजिक में उन्हीं के स्वभाव के मुताबिक सादगी थी और गायकी में ना तो कलाबाजी और नाटकीयता थी और ना ही सुरों का बनावटीपन। बाद में उनके कई एल्बम में त्रिवेणी भवानी की संगीतकार जोड़ी ने भी म्यूजिक दिया। यहाँ जानना दिलचस्प होगा कि महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचना अग्निपथ को स्वर देने के लिए हरिओम जी से आग्रह किया था और उन्होंने उनकी बात मानकर अग्निपथ को अपनी आवाज दी। हरिओम जी की छवि एक गायक से आगे एक संत जैसी थी जो उनके स्वभाव और व्यवहार की सादगी के साथ ही संपूर्ण जीवन शैली में दिखती थी। वो हमेशा अपने चाहने वालों से घिरे रहते थे। वो सबसे बिना किसी आडंबर के आसानी से मिलते थे।
35 साल के अपने गायकी के करियर में उन्होंने 20 भजनों के एल्बम जारी किए। हे हरि जगदाधार। एक बार अपनी पत्नी नंदिनी शरण के साथ अमेरिका गए हरिओम जी सीढ़ियों से गिर गए थे। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा था, लेकिन अचानक 17 दिसंबर 2007 को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। हरिओम के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए गुयाना के रिचमंड हिल में हजारों लोग पहुंचे। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे प्रभु। ये अमेरिका में रहने वाले भारतीयों समेत उनके तमाम चाहने वालों के लिए एक झटका था। अमेरिका में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि हिंदू ही नहीं, एशिया के मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग न सिर्फ उनके भजन सुनते थे बल्कि उनके व्यक्तित्व के मुरीद थे। उनकी मौत के बाद 24 घंटे तक गुयाना रेडियो स्टेशन ICR ने लगातार उनके भजन चलाए। हरिओम शरण को फिल्मों में भक्ति गीत गाने के लिए भी बहुत सारे प्रस्ताव आते थे, लेकिन वो संत थे और उनके भजन जैसे किसी संत की वाणी। ऐसे में उन्होंने धन के लोभ से खुद को दूर रखते हुए अपने भजनों के जरिए ताउम्र पूरी दुनिया में आस्था की अलग जगाए रखी। रामनित कृपा करते हैं, रामनित कृपा करते हैं। सही मायने में हनुमान चालीसा, राम भजन, कबीर, रैदास और तुलसीवाणी की सुरमई प्रस्तुति के जरिए इसे पूरी दुनिया में पहुंचाने का सबसे बड़ा और पहला श्रेय हरिओम शरण को जाता है। इसके बावजूद जहां तक जानकारी है उन्हें भारत सरकार ने कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया। कहा जाता है कि भारत सरकार ने एक बार उनकी पत्नी और उन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया था, लेकिन ये सम्मान कौन सा था ये स्पष्ट नहीं हो सका है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि इस साधक और संत रूपी गायक के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें और इनको वाजिब सम्मान और पहचान मिल सके। मन मैला और तन को धोए। हरिओम जी ने अंग्रेजी फिल्म होली स्मोक में एक छोटा सा रोल भी किया था। एक गायक के तौर पर उन्होंने गजल की दुनिया में भी प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज भी हरिओम शरण के भजन करोड़ों हिंदुओं के बीच एक धार्मिक प्रतीक है। कविता कृष्णमूर्ति ने हरिओम जी के बारे में एक बार कहा था कि जिस चीज ने मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो उनकी सादगी है जिसके साथ वो गाते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे गाने वाला व्यक्ति कोई संत या फकीर हो। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब प्रधानमंत्री ने हरिहरन के एक गीत को ट्वीट किया था तब हरिहरन ने मीडिया से बात करते हुए खासतौर पर हरिओम शरण जी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। भक्ति संगीत के चाहने वाले तमाम लोग उनकी याद में आज भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम होता है हरिओम शरण अ लाइफ इन प्रेयर। टूट रही थी माया, तूने कितनी बार जगाया। फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने अपनी वेब सीरीज स्कैम 92 में 3 जगहों पर बैकग्राउंड में हरिओम के गाने, 2 कबीर भजन और एक गीत को शामिल किया है। तीनों का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया गया है कि ये सीरीज की जान बन गए हैं। गर्व भरा मस्तक मेरा। हरिओम शरण जी को हमारी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। हम आभारी हैं कि उनके भजन जीवन के तनाव और मुश्किल भरे पलों में हमारे मन को असीम शांति से भरते हैं और आगे भी भरते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ मैं RJ प्रीति कमल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।